ना कहीं पर घर बनाते हैं या फिर आप अपना कहीं पर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन में हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है शटरिंग। जब भी आप कहीं पर आरसीसी स्लैब कास्टिंग करवाते हैं तो कास्टिंग करवाते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहीं हमारी शटरिंग फेल ना हो जाए। उस शटरिंग को फेल होने से बचाने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है शटरिंग। जब भी हम कहीं पर शटरिंग करवाते हैं तो हमें डैमेज माल नहीं लगाना चाहिए शटरिंग में। अगर हम डैमेज माल लगा रहे हैं, डैमेज शटरिंग कर रहे हैं, तो जिससे हमारी आरसीसी स्लैब फेल होगी, फेल होने की वजह से हमारा लाखों का नुकसान होगा। तो गाइस, अगर आप कहीं पर शटरिंग करवाते हैं तो शटरिंग करवाते समय हमें डैमेज माल नहीं लगाना है। सेकंड पॉइंट होता है, जब भी हम शटरिंग करवाते हैं तो उसके जो फ्रेमिंग जो जाल होती है, वह जाल में हम बत्ते या फिर लकड़ी के वुडन बक्स या फिर हम प्लाई बोर्ड यूज़ करते हैं। उस जो लकड़ी के बैटन होते हैं उसकी जो 1.5 से 2 फीट के बीच में हमें फ्रेमिंग वर्क करना चाहिए। अगर हम 3 या 4 फीट के में फ्रेमिंग वर्क कर रहे हैं तो लोड लोड ज़्यादा पड़ एक उस एजिस पे ज़्यादा लोड होने की वजह से हमारे क्रैक्स उस वुडन वर्क में क्रैक्स जनरेट होंगे। क्रैक्स होने की वजह से लकड़ी हम वो शटरिंग हमारी फेल होगी। फ्रेमिंग वर्क करने के बाद में जो हम प्रॉप करते हैं, प्रॉप्स हमारे प्रॉपर तरीके 90 डिग्री में होने चाहिए। अगर हमारी 90 डिग्री में प्रॉप्स हैं, सीधा जो आरसीसी टाइप का जो होता है वह सीधा लोड प्रॉप पे आता है, प्रॉप से सीधा ऑयल, फिर जो हमारी एसी होती है उसमें लोड। जब भी हम कहीं पर शटरिंग करवाते हैं, जो हमारे प्रॉप्स रेस्ट होते हैं वे हमारे आरसीसी स्लैब में प्रॉप्स रेस्ट होते हैं, तो रेस्ट होते हैं। जब भी हम कहीं पर शटरिंग करवाते हैं तो हमें प्रॉप्स को ईंट के ऊपर रेस्ट नहीं करना चाहिए। जब हमारी आरसीसी स्लैब कास्टिंग होती है, आरसीसी स्लैब कास्टिंग होते समय जो हमारा लोड आरसीसी स्लैब से सीधा प्रॉप्स पर लोड आता है, प्रॉप्स पर लोड आने की वजह से ब्रिक्स होती है वह हमारी हिलती है, ब्रिक्स की वजह से शटरिंग होती है। शटरिंग करते हैं प्रॉप्स होते हैं या तो हम बल्ली यूज करते हैं, बल्ली प्रॉपर के 90 डिग्री होनी चाहिए। 45 कई जगहों पर 45 डिग्री एंगल में बल्ली खड़ती है वह बिल्कुल गलत है। अगर हमारा बल्ली आरसीसी स्लैब में का लोड बल्ली पर आ है, 45 डिग्री एंगल पे बल्ली होने की वजह से बल्ली स्लाइडिंग होगी, स्लाइडिंग होने की वजह से शटरिंग होगी। जब भी आप शटरिंग करवाते हैं तो प्रॉप्स या फिर जो हम बल्ली यूज करते हैं 90 डिग्री स्ट्रेट बल्ली रेस्ट होनी चाहिए। शटरिंग करते समय जो हमारे जैसे हमारे बटम होते हैं या फिर जो यूज करते हैं गैप हमें प्रॉपर से फिलिंग करना चाहिए। अगर हम उन गैप को फिलिंग नहीं करते, जब हमारे आरसी स्लैब कास्टिंग होती है, स्लैब कास्टिंग होती है के जो कास्टिंग है, तो उसकी स्लरी उन गैप में निकलती है। गैप स्लरी निकलने की वजह से उस कंपनी होता है कंपनी होने की वह पार्ट्स होता है। जब शटरिंग करते समय जो गैप होता है उन गैप में हमें फिलना है, हमें पीओपी लगानी है या फिर हमारी टेप मास्क टेप होती है मास्क टेप लगाकर हमें उन गैप को फिलिंग करना है। बीम होते हैं उस बीम में प्रॉपर तरीके से बाइंडिंग वायर और की नेल्स और सिकंजे लगाने हैं। सिकंजे नेल्स पर हम इसलिए लगाते हैं कि जो वाइब्रेटर आरसीसी कास्टिंग होती है उस वाइब्रेटर यूज होते हैं, वाइब्रेटर यूज करने की वजह से आरसीसी फेल होती है। तो उस आरसीसी स्लैब फेल से बचाने के लिए शटरिंग में नेल्स शटरिंग वायर स्टील वायर और सिकंजे आते हैं। जब भी अपने बनाए तो हम शटरिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। स्टील लिंग होने के बाद शटरिंग का लेवल करना चाहिए। हमारी शटरिंग का अगर हम शटरिंग वाटर लेवल है तो हमारी आरसीसी स्लैब प्रॉपर तरीके से एक लेवल में रहेगी और एक लेवल में होने की वजह जिसपे हम आरसीसी स्लैब में प्लस्तर करेंगे, प्लस्तर की वजह से हमारा प्रस्तर बदलेगा। तो गैस अभी भी आप कहीं पर शक करवाते हैं, हमें इन सारी बातों को रखना चाहिए। तो गैस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे YouTube चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।